नमस्कार दोस्तों, आज लाइव वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी ने शहर को, पूरे प्रदेश को इस तरीके से लतपत कर रखा है कि हम अंदर से बहुत परेशान है। उसी के संदर्भ में दो लाइन कहूँगा कि तबाही की तस्वीर साफ दिखने लगी है, तबाही की तस्वीर साफ दिखने लगी है, पानी तो पानी, हवा भी बिकने लगी है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, जैसा इंसान करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। हर एक जगह पर अपनी एक मर्यादा होती है। चूँकि आज जो इस भयंकर बीमारी से हम त्रस्त प्रस्त है, ये सब इंसानों के द्वारा किया हुआ कृत्य का ईश्वर हमें फल दे रहा है। हम जानते हैं कि ईश्वर जो होता है वो माँ बाप के तुल्य होता है। माँ बाप कभी अपने बच्चे को इतना परेशान नहीं करते, वो दया आ ही जाती है और ईश्वर को भी दया आएगी। तो हम अति दिन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे है, कहने का मतलब है हम अति दिन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हम इतने दुखी हो रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है, फिर भी विपत्ति जाल घेरे है। कपूत अति कपटी पर बालक तेरे हैं। हमारे द्वारा कई गलतियां हुई है जिसकी हम हाथ जोड़ के सिर्फ विनती कर सकते हैं, फिर भी माफ़ करना आपका काम है। इस भयंकर बीमारी से सभी को जल्द से जल्द मुक्त करें। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने हमेशा वो छोटा ही रहता है। उसी तरीके से मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस बीमारी से सभी को दूर करें। और जो ये इस तरीके से कई किसी इंसान को रात में देखो, सुबह खबर मिलती है कि कोरोना से चलते